एंड वेलकम टू इंडिया बट डॉट कॉम। फ्रेंड्स, इंडियन इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट टर्म्स के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। ये इस सीरीज का आखिरी वीडियो है जिसमें आपको इंपॉर्टेंट टर्म्स बताया जा रहा है और उससे रिलेटेड डेफिनेशंस बताए जा रहे हैं। तो ये पार्ट 5 है। पार्ट 4 वीडियोज में आपको 2020 टर्म्स बताए गए हैं। इस वीडियो में भी आपको इस तरह का आपको काफी इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट है डिफरेंट एग्जाम्स के लिए। यूपीएससी हो गया, यूपीपीएससी हो गया, बीपीएससी हो गया, जेपीएससी हो गया, एसएससी का जेई का एग्जाम हो गया, सीजीएल हो गया। तो इस तरह के काफी एग्जाम्स में आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो पूरा वीडियो देखें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, किसी सवाल सुझाव के लिए कमेंट करें और फिर वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको यहाँ पर वीडियोज मिलती है, इस तरह की एडुकेशनल वीडियोज और स्टडी मटेरियल मिल जाता है, एग्जाम से रिलेटेड अपडेट्स मिल जाता है, कोई नई वैकेंसी आती है उससे रिलेटेड डिटेल्स मिल जाता है। तो काफी कुछ आपको इस चैनल पर फ्री में मिल जाएगा। सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर भी आप हमें फॉलो कर लें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, पेज को लाइक कर लें और फेसबुक ग्रुप भी ज्वाइन कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज के वीडियो में जो पहला टर्म है वो है सार्क। तो सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, SAARC। तो ये एक एसोसिएशन है 8 कंट्री का, साउथ एशिया के 8 कंट्रीज का, इसीलिए साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन नाम है। तो साउथ एशियन 8 कंट्री है जिसमें बांग्लादेश है, भूटान है, इंडिया है, मालदीव्स है, फिर नेपाल है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है और अफगानिस्तान है। तो सार्क एक प्लेटफॉर्म देता है जहाँ पर साउथ एशिया के लोग आपस में काम कर सकें, किस किस स्पिरिट में, तो फ्रेंडशिप के स्पिरिट में, ट्रस्ट के स्पिरिट में और अंडरस्टैंडिंग के स्पिरिट में। तो और इसका एम क्या होता है कि एक्सेलरेट किया जा सके इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट को जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं उसमें। रिसेंटली इंडिया ने कुछ साल पहले सार्क सैटेलाइट एक नया तरह का योजना लेके आया था, जहां पर इंडिया ने एक गुडविल के तहत सार्क सैटेलाइट लॉन्च किया था, तो एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए, डिफरेंट पर्पसेस के लिए, और दूसरे कंट्रीज को भी बोला था कि आप इसमें इसका आप यूज़ कर सकते हैं अपने कंट्री के वेलफेयर के लिए, कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए उसके लिए। नेक्स्ट टर्म है वो है सेल्फ एम्प्लॉयड। तो सेल्फ एम्प्लॉयड जो खुद से अपना खुद से का ऑपरेट करते हैं अपना फार्म या नॉन फार्म एंटरप्राइजेस, या फिर इंडिपेंडेंटली एंगेज है किसी प्रोफेशन में या ट्रेड में, जहां पर वो एक या एक से ज़्यादा पार्टनर्स हैं, तो इसको बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड। तो इनके पास फ्रीडम होता है डिसाइड करने का कि हाउ, वेयर एंड व्हेन टू प्रोड्यूस कर सकें और सेल कर सकें या कैरी आउट कर सकें अपने ऑपरेशंस को। और इनका अर्निंग है डिटरमाइन करता है होली और मेनली बाई सेल्स, पूरी तरह से या आधा, तो मतलब कुछ हिस्से से सेल्स या प्रॉफिट जो उसका एंटरप्राइज लेते हैं उसके हिसाब से इनका जो सैलरी है या अर्निंग है वो डिपेंड करता है। नेक्स्ट टर्म है वो है सोशल सिक्योरिटी। तो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स इंडिया में काफ़ी पॉपुलर हैं। तो कोई भी गवर्नमेंट आती है वो डिफरेंट तरह के स्कीम्स अनाउंस करती है। तो एक्चुअल में सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स है क्या? तो ये गवर्नमेंट या प्राइवेटली एस्टैब्लिश सिस्टम ऑफ मेजर्स है जिसके थ्रू मटेरियल सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जाता है किसी बूढ़े लोगों को, डिसेबल्ड लोगों को, डिस्टिट्यूट लोगों को, विडोज, विधवा को, बच्चों को। और ये किस माध्यम से दिया जाता है? तो पेंशन से दिया जाता है, ग्रेच्युटी से दिया जाता है, प्रोविडेंट फंड से दिया जाता है, मैटरनल बेनिफिट से दिया जाता है, हेल्थ केयर से दिया जाता है, और एक नया जो है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से स्कीम से भी ये दिया जाता है, PDS स्कीम से दिया जाता है। तो इस तरह की काफ़ी सिस्टम से दिया जाता है ताकि लोगों को, जो लोग वंचित हैं, जिनको और कोई जरिया नहीं है, उनको हेल्प किया जा सके। नेक्स्ट टर्म है वो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, SEZ। तो ये एक ज्योग्राफिकल रीजन होता है जहां पर इकोनॉमिक लॉज जो होता है वो कंट्री के टिपिकल इकोनॉमिक लॉज से डिफरेंट होता है। तो इसका मकसद ये होता है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज किया जा सके। और स्पेशल इकोनॉमिक जोन है जो इस्टेब्लिश किया गया है डिफरेंट कंट्रीज में, जैसे कि PRC पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना में, इंडिया में, जॉर्डन में, पोलैंड में, कजाकिस्तान में, फिलीपींस में और रशिया में। तो इस तरह इनको डेवलप किया जाता है।
नेक्स्ट टर्म है वो स्टेबलाइजेशन मेजर्स है। तो ये फिस्कल और मॉनिटरिंग मेजर्स होते हैं जो कि अडॉप्ट किए जाते हैं फ्लक्चुएशंस को कंट्रोल करने के लिए। तो किस में फ्लक्चुएशंस, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में फ्लक्चुएशंस को कंट्रोल करने के लिए, या हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन, महंगाई दर जब काफी ऊपर चला जाए तो उसको कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट टर्म है वो है स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, SEBs। तो ये पार्ट होते हैं स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के, जिनका काम क्या होता है, ये काम होता है आपको जनरेट करना, ट्रांसमिट करना और डिस्ट्रीब्यूट करना इलेक्ट्रिसिटी को डिफरेंट स्टेट्स में अपने स्टेट के अंदर। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो जल्दी से इसको लाइक कर दें, इससे हमारा उत्साह बढ़ता है। और नेक्स्ट जो टर्म हम है वो है स्टैचुअरी लिक्विडिटी रेशियो, SLR। तो ये एक मिनिमम प्रोपोर्शन होता है टोटल डिपॉजिट और रिजर्व्स का जो कि मेंटेन किया जाता है बैंक्स के द्वारा लिक्विड फॉर्म में, और रेगुलेटेड होता है ये RBI के द्वारा। इंडिया में जो सेंट्रल बैंक है RBI के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। और मेंटेनेंस ऑफ SLR इन एडिशन टू कैश रिजर्व रेशियो इज एन ऑब्लिगेशन ऑफ द बैंक। तो बैंक्स को कैश रिजर्व रेशियो तो देना ही पड़ता है RBI को, और लिक्विडिटी फॉर्म में SLR भी देना पड़ता है। नेक्स्ट टर्म है वो है स्टॉक एक्सचेंज। तो ये मार्केट है जहां पर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो या पब्लिक कंपनीज का ट्रेड किया जा सकता है। तो सिक्योरिटीज गवर्नमेंट का या पब्लिक कंपनीज का ट्रेड किया जा सकता है, तो ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती है स्टॉक ब्रोकर्स को, ताकि वो कंपनी के स्टॉक्स में ट्रेड कर सकें या अदर सिक्योरिटीज में ट्रेड कर सके। नेक्स्ट टर्म है वो है स्टॉक मार्केट। तो ये एक इंस्टीट्यूशन होता है जहां पर स्टॉक्स एंड शेयर्स का ट्रेडिंग होता है, किसी भी कंपनी का स्टॉक्स एंड शेयर्स का ट्रेडिंग किया जा सकता है। नेक्स्ट टर्म है वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म पॉलिसीज है। तो ये लॉन्ग टर्म मेजर्स होता है, जैसे कि लिबरलाइजेशन हो गया, डीरेगुलेशन हो गया और प्राइवेटाइजेशन हो गया। इसको इसलिए किया जाता है ताकि एफिशिएंसी को इम्प्रूव किया जा सके, कॉम्पिटिटिवनेस को इकोनॉमी में इम्प्रूव किया जा सके। तो ये लॉन्ग टर्म मेजर्स होते हैं। जैसे अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि जो PSU कंपनीज है मोस्टली को या तो प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा या मर्ज कर दिया जाएगा, और हर फील्ड में प्राइवेट कंपनीज को एंट्री दिया जाएगा ताकि वो भी ज्वाइन कर सके रेस को और कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ जाए। तो इससे और इससे इसका फायदा ये होगा कि बाहर की कंपनीज जो हैं वो आके इन्वेस्ट कर सकती हैं, और यहाँ पर अच्छा इकोनॉमिक सिनेरियो बनेगा, उससे जॉब्स भी आ सकते हैं। तो इस तरह के मेजर्स के लिए ये पॉलिसीज यूज किया जाता है। नेक्स्ट टर्म है वो है टैरिफ। तो ये इम्पोर्ट्स पे टैक्स होता है जो कि लगाया जाता है आइदर ऑन फिजिकल यूनिट्स, जैसे कि टन, किसी टन पे लगा दिया जाए कि एक टन पे इतना लगा जाएगा, या फिर वैल्यू के ऊपर लगाया जाए। और यहाँ पर टैरिफ को इम्पोज किया जाता है डिफरेंट रीजंस के कारण, जैसे कि गवर्नमेंट का रेवेन्यू अगर इंक्रीज करना है तब, या फिर डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बचाना है तब, ताकि सब्सिडाइज्ड और लो वेज इंपोर्ट्स ना आए, फिर उसके बाद डोमेस्टिक एम्प्लॉयमेंट को इम्प्रूव करने के लिए, या फिर डेफिसिट को ईज करने के लिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में जो डेफिसिट है उसको ईज करने के लिए। उसके बाद दैट द रेज ट्रैफिक टैरिफ अचीव लिटिल गुड, ये क्या करता है कि वॉल्यूम ऑफ ट्रेड को कम कर देता है और प्राइस इंपोर्टेड कॉमोडिटी के प्राइस को इंक्रीज कर देता है। जैसे अगर अभी इंडिया और चाइना में अभी टेंशन्स चल रहे हैं, तो कल हो गया इंडिया अगर कुछ टैरिफ्स इंक्रीज कर देता है कि चाइना से जो भी गुड्स आ रहे हैं उस पर टैरिफ लग जाएगा ज़्यादा, तो उस केस में क्या होगा, चाइनीज गुड्स जो होंगे उसका दाम बढ़ जाएगा। तो इससे जो एक्सचेंज हो रहा है या इम्पोर्ट हो रहा है वो उसमें कमी आ जाएगी, क्योंकि लोग ही नहीं खरीदना चाहेंगे। लोगों में का जो जो एक्चुअल जो प्राइस होगा वो आपको जो डोमेस्टिक कंपनीज होगी उसका प्राइस ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा आपको बाहर की कंपनीज के प्रोडक्ट से। तो इसलिए टैरिफ का यूज़ किया जाता है डिफरेंट गवर्नमेंट्स के द्वारा। नेक्स्ट है जो टर्म वो है टैरिफ बैरियर्स। तो यहाँ पर रेस्ट्रिक्शंस, इंपोर्ट्स पे रेस्ट्रिक्शंस लगाया जाता है गवर्नमेंट को के द्वारा, तो टैक्सेस के फॉर्म में, जैसे मैंने आपको अभी चाइना का एग्जांपल दिया, वैसे अगर इसमें टैक्सेस इंक्रीज कर दिया जाएगा तो उसको बोलेंगे हम लोग टैरिफ बैरियर्स। नेक्स्ट टर्म है वो है ट्रेड यूनियन। तो ये ऑर्गेनाइजेशन है, वर्कर्स का ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको फॉर्म किया जाता है किस पर्पज के लिए, तो मेंबर्स के इंटरेस्ट को एड्रेस करने के लिए इन रेस्पेक्ट ऑफ
वेजेस, बेनिफिट्स और वर्किंग कंडीशंस, तो ये सारे चीजों का ध्यान रखने के लिए और एक जो वर्कर्स होते हैं उनका समूह होता है। नेक्स्ट टर्म है वो है अनएम्प्लॉयमेंट, तो बेरोजगारी। तो ये सिचुएशन होता है जहां पर वो लोग जो कि जिनके पास काम नहीं हुआ है या फिर उनके पास काम है ही नहीं या काम की कमी है, तो वो क्या करते हैं, वर्क मांगते हैं, मतलब काम ढूंढते हैं एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस के थ्रू, इंटरमीडियरीज के थ्रू, फ्रेंड्स के थ्रू, रिलेटिव्स के थ्रू, या फिर एप्लीकेशंस वो डालते हैं प्रोस्पेक्टिव कंपनीज में और एक्सप्रेस करते हैं अपना विलिंगनेस या अवेलेबिलिटी कि काम करेंगे उनके प्रिवेलिंग वर्क कंडीशंस के अंदर और रिम्यूनरेशंस के साथ। नेक्स्ट टर्म है वो है अर्बनाइजेशन, तो मेट्रोपॉलिटन एरिया का जब एक्सपेंशन किया जाता है वहां पर नेमली द प्रोपोर्शन ऑफ टोटल पॉपुलेशन और एरिया इन अर्बन लोकेलिटीज या फिर एरियाज ऑफ सिटीज एंड टाउन और द इंक्रीज ऑफ दिस प्रोपोर्शन ओवर टाइम, तो इसका रिप्रेजेंट ये क्या करता है कि अर्बन पॉपुलेशन को इंक्रीज करता है जहां पर टोटल पॉपुलेशन के मुकाबले के रेशियो में आपको इंक्रीज होगा और द रेट एट विच द अर्बन पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग, तो बोथ को एक्सप्रेस किया जा सकता है यहाँ पर परसेंटेज के टर्म्स में, तो रेट ऑफ चेंज को एक्सप्रेस किया जाता है परसेंटेज पर ईयर या डिकेड या पीरियड बिटवीन सेंससेस। नेक्स्ट टर्म है वो है वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, तो टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स जो काम कर रहे हैं उसको डिवाइड कर दिया जाए पॉपुलेशन से और इसको परसेंटेज में एक्सप्रेस किया जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो पार्ट वन जितने भी हम लोगों ने टर्म्स बताए हैं और सारे अभी तक पांच वीडियोस में, तो उसका अगर पीडीएफ चाहिए तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ डाउनलोड करके देख सकते हैं, आपको वेबसाइट पर भी उससे रिलेटेड कॉन्टेंट मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, किसी सवाल सुझाव के लिए कॉमेंट करें और शेयर कर दें वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह वीडियो पहुंचे। सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर लें, उसके अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज लाइक कर दें और अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद फिर बेल आइकन को प्रेस करें, उससे आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा सारा जो भी हम लोग वीडियो पोस्ट करते हैं उससे रिलेटेड।